राजस्थान राजस्व सेवा परिषद शाखा ब्यावर के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने गत 17 अप्रैल 2023 को सरकार के साथ हुए समझौते को लागू करने की मांग की है। मांग को लेकर राजस्व परिषद सेवा शाखा ब्यावर के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मंगलवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां पर अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद उपस्थित सभी राजस्व परिषद सेवा के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम मृदुल सिंह को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एक ज्ञापन दिया। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि गत 17 अप्रैल 2023 को आंदोलनरत कर्मचारियों से निम्न बिंदुओं पर सहमति बनी थी, जिसके बाद राजस्व सेवा परिषद की ओर से आंदोलन समाप्त किया गया था, लेकिन समझौता होने के बाद आज दिन तक सरकार द्वारा इसकी क्रियान्विति अमल में नहीं लाई गई है, जिसको लेकर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद में सरकार के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। ज्ञापन में बताया गया कि सरकार से सीधी भर्ती के आरटीएस को सीधे तहसीलदार पद पर संस्थित करने तथा मंत्रालय कर्मचारी को पदोन्नति कोटा समाप्त करना, वरिष्ठ पटवारी पद का विलोपन किया जाना, पटवारी भू अभिलेख निरीक्षक नायब तहसीलदार व तहसीलदार का कैडर पुनर्गठन किया जाकर नवीन पद सृजित किया जाना, नायब तहसीलदार तक पद शत प्रतिशत पदोन्नति पद घोषित करना सहित अन्य बिंदुओं पर आरएस कैडर का रिव्यू किए जाने पर सरकार से सहमति बनी थी, जिसके बाद राजस्थान राजस्व सेवा परिषद ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया था। ज्ञापन में बताया गया कि समझौते के लगभग 3 माह बीत जाने के बाद भी सरकार द्वारा समझौते को लागू नहीं करने पर प्रदेश भर के राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं में भारी रोष व्याप्त है। ज्ञापन में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने जल्द ही समझौते को लागू करने की मांग की है। साथ ही इसके अभाव में 2 अगस्त को जयपुर में राजस्व मंत्री का घेराव कर आंदोलन शाहरुख अपनाने की चेतावनी दी है। साथ ही इसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की बताई है। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष ललिता सुवासिया, उपाध्यक्ष नवीन दादीच, सुनील डेटानी, मनोज भाटी, सुरेश चौधरी, अरविंद दिव्या तथा राधिका यादव मौजूद रहे। ब्यावर तहसील के पटवारी कानूनों संघ और राजस्व सेवा परिषद के तहसीलदार साहब सेवा के संगठन के तहत, राजस्व सेवा परिषद के तहत हम लोग आज सभी यहाँ ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और हमारी मांग यही है कि 17/4/2023 को जो मांग पत्र हमने सरकार को पेश किया था और 24/4 को सहमति प्रदान की गई थी 24/4/2023 को राजस्थान सरकार द्वारा, लेकिन आज दिनांक तक उसके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कोई प्रशासनिक आदेश जारी किया गया। इस तहत आज हम सभी लोग राजस्व सेवा परिषद के पटवारी, तहसीलदार और कानून संघ के सभी पटवारी और सभी कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। और 2 अगस्त 2023 को हम सभी लोग पटवारी और कानून संघ सभी लोग माननीय राजस्व मंत्री महोदय का जयपुर जाके घेराव करेंगे। इसी के तहत हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। हमारी मांग यही है राजस्थान सरकार से कि कृपया कर राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री महोदय, राजस्व मंत्री महोदय जी हमारी मांगों को पूरी करें और जल्दी से जल्दी हमारी मांगों का निराकरण किया जाए।